मुंबई के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। वो ही एक जगह जहां आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, कभी कभी उसी जगह पर पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और वैसे भी हमारा बीच हाउस मुंबई सिटी से बहुत दूर है। बारिश की वजह से भी बहुत परेशानी थी, हर जगह पानी भरा हुआ था, इसलिए और भी ज्यादा लेट हो गए। ओहो, तब तो बरसात की वजह से यश और बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो गई होगी। वो लोग घर कैसे पहुंच गए? यश जी भी समय पर कहां पहुंचे घर? उन्हें भी रात को अपने दोस्त के घर पे ही रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह जब बच्चे और यश जी वापस आए तो वो लोग इतना थके हुए थे कि क्या तेज हो गए। जब यश जी उठे तो मैंने उन्हें प्रसाद दिया। मैं उन्हें रात के बाद बताने ही वाली थी कि अंश झूले से गिर गया। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और अंश इंजेक्शन लगाने में बहुत परेशानी करता है। इन्हीं सब बातों में मैं यश जी को रात वाली बात बताना भूल गई। और मेरे लिए बात इतनी जरूरी भी नहीं थी, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गई। बस यही हुआ उस रात को। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप मुझे, अगर तूने यश को नहीं बताया तो यश को कैसे पता चला?